हेलो बचो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन से स्टेटमेंट वन गिवन है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है फ्लैजिला दैट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द ओवम ठीक है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में फ्लैजिला नहीं होता है सीलिया होता है सीलिया होता है जो कि ओवम के मूवमेंट में हेल्प करता है जैसे अगर हम कंसिडर करें कि दिस इज द फेलोपियन ट्यूब ठीक है फेलोपियन ट्यूब है ये अब ओवम यहाँ से फिम्बरे uh, के थ्रू आया तो यहाँ पे जो सेल्स होते हैं उनमें इस तरीके से सीलिया लगा होता है ठीक है सीलिया होता है तो सीलिया क्या करता है ये जैसे ओवम यहाँ आया आया तो इसको फॉरवर्ड मूव करवाता है ठीक है सिमिलरली पूरी एस एफ ट्यूब में इस तरीके से सेल्स होंगे यानी ये सीलिया प्रेजेंट होगा ठीक है सो सीलिया प्रेजेंट होता है फ्लाजिला प्रेजेंट नहीं होता है ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है देन गिवन गिवेन द टेंटिकल्स ऑफ हाइड्रा आर यूज फॉर बोथ कैचिंग प्रे एंड फॉर मोमेंट तो हाइड्रा के जो पास जो टेंटिकल्स होते हैं ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज हाइड्रा ठीक है तो इस तरीके से ये जो टेंटिकल्स होते हैं ये प्रे को कैच करने के लिए और इनके मूवमेंट के लिए दोनों के लिए यूज होते हैं ठीक है फॉर तो दे आर यूज फॉर कैचिंग प्रे एज वेल एज फॉर मूवमेंट या फॉर हम लोकोमोशन कह सकते हैं तो सेकेंड स्टेटमेंट जो है हमारा क्या हो रहा है करेक्ट जा रहा है ऑप्शन देखते हैं फर्स्ट गिवन है स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू बोथ आर करेक्ट सो बोथ आर नॉट करेक्ट बी गिवन है स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इन करेक्ट ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा सी गिवन है स्टेटमेंट वन इज इन करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज करेक्ट तो सी ऑप्शन करेक्ट जा रहा है डी में दोनों को इनकरेक्ट बता दिया है डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट विल बी ऑप्शन सी इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको इलेवेंथ की न्यू एनसीआर में पेज नंबर टू वन एट पर मिलेगी आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है